हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हम एंजाइम्स के बारे में बात करें तो स्टूडेंट, ऑल दिस एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओके, वो प्रोटीन से बनते हैं। ओके, सम ऑफ देम बहुत कम, जैसे कि जो न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, राइट, दैट इज नोन एज अ रिबोसाइम्स। ओके, रिमेंबर दिस फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एंजाइम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओके, एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन किससे बनता है? तो अमीनो एसिड से। कितने टाइप ऑफ अमीनो एसिड से? तो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स से। सम ऑफ देम, इसमें से जो सम ऑफ दी होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड से भी बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिबोसाइम्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करें तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो उसके सेकेंडरी टर्शियरी से हमें डिफर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करें तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के अंदर इटसेल्फ क्रिसो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर्स में एक स्पेशलाइज साइट बनाता है। ओके, तो ये स्पेशलाइज साइट क्या है? दैट स्पेशलाइज साइट इज नोन एज अ एक्टिव साइट। ओके, तो ये एक्टिव साइट क्या है? तो एक्टिव साइट ये जगह पे क्या होता है? तो एक स्पेसिफिक साइट है जो कि क्या होता है, तो स्टूडेंट जब एंजाइम्स किसी सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे ये एक्टिव साइट मेनली वर्क करता है। ओके, तो एंजाइम्स फॉर्म अ स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ साइट दैट इज नोन एज एक्टिव साइट। ओके, तो इसे एक्टिव साइट कहते हैं जो कि रिएक्शंस को आगे बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो यही साइट करती है। स्टूडेंट, एंजाइम्स के बारे में हम बात करें तो एंजाइम्स को हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कैटालिस्ट कहते हैं। ओके, इट्स अ नोन एज अ कैटालिस्ट। ओके, कैटालिस्ट का काम क्या होता है? तो किसी भी रिएक्शन का रिएक्शन रेट इंक्रीज करना। ओके, इंक्रीज करना। तो नॉर्मल स्टूडेंट, यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक जो कैटालिस्ट होते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट आर, ये नॉर्मली जो हाई टेम्परेचर होता है, हायर टेम्परेचर एंड जो हायर प्रेशर होता है, ओके, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वाली सिचुएशन में एक्टिवली काम करते हैं। कौन? इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। रिमेंबर दिस, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एट अ हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर वाली सिचुएशन में काम करते हैं। बट स्टूडेंट, हम जब एंजाइम्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो एंजाइम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, तो सम ऑफ द एंजाइम्स क्या होते हैं कि लोअर टेम्परेचर पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उसकी प्रोसेस स्लो हो जाती है। सम ऑफ द एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, उसकी नेचर यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर उसका खराब हो जाता है। ओके, देन हम बात करें तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर होता है या फेवरेबल कंडीशंस जो होती है वो बहुत इम्पैक्ट करती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करें तो क्या एंजाइम सिर्फ, मतलब हमने तो स्टूडेंट हम एंजाइम्स के बारे में बात करें तो एंजाइम्स जो होंगे कि नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल एनवायरमेंट में जो एंजाइम्स देखने को मिलते हैं वो हायर टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, राइट, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, वो काम नहीं कर सकते। बट हम बात करें स्टूडेंट जब हॉट स्प्रिंग्स में या जो सल्फर माइंस होती है, ऐसी एडवर्स कंडीशंस में भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्रोकैरियोट्स सर्वाइव करते हैं। ओके, तो ये प्रोकैरियोट्स आर्की बैक्टीरिया जो सर्वाइव करते हैं तो उसके अंदर भी ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम्स वर्क करते हैं, राइट, तो यानी कि कुछ ऑफ हम देखें तो सम ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे, सम ऑफ द एंजाइम्स हाई प्रेशर के अंदर या कुछ नॉर्मल कंडीशन के अंदर, डिपेंड ऑन एंजाइम्स। हर एक एंजाइम्स की अपनी एक फेवरेबल रेंज रहती है और उसके अंदर वो अपना रिएक्शंस बढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट एंजाइम्स यानी कि एक बायो कैटालिस्ट कहा जाता है उसे, जो प्रोटीन से बना हुआ है, सम ऑफ द ऑल्सो मेड फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड, राइट, ये क्लियर रखना। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर काम कर सकते हैं,
हमारे नॉर्मल हैबिटेट में जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, बट इन सम ऑफ द एंजाइम्स की जो एडवर्स कंडीशंस के अंदर भी एक्ट कर सकते हैं, वैसे भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? तो स्टूडेंट, ये एंजाइम्स कैटालिस्ट का काम क्या है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट एनहांस करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा ये केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होना। तो नॉर्मली स्टूडेंट, हम फिजिकल एंड केमिकल दोनों रिएक्शन के बारे में बात करें तो फिजिकल चेंज यानी कि क्या, फॉर एग्जाम्पल वॉटर है, वाटर को हम अगर हाई कूलिंग दे तो वो आइस बन जाएगा, आइस वापस अगर उसे हीट दे तो वाटर, वाटर इवोपरेट होके वेपर। यहाँ पे क्या होता है तो सीधा क्या होता है तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको चेंज देखने को मिलता है, जबकि केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा तो केमिकल रिएक्शंस में जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड्स होंगे उसके बीच के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होंगे और कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, राइट? तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो नॉर्मल कोई भी केमिकल प्रोसेस होती है, राइट, तो केमिकल प्रोसेस का जो रेट होता है तो रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड ऑन टू टाइम। ओके, जो प्रोडक्ट कितने टाइम में, राइट, यहाँ पे पी इंडिकेट प्रोडक्ट, टी इंडिकेट टाइम, राइट, तो यहाँ पे कितने टाइम में पर प्रोडक्ट कितना टाइम लगता है उसके बेसिस पे हमें हमारा जो रेट है, सॉरी स्टूडेंट, तो वो रेट हमें मिल जाएगा। ओके, आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन वो क्लियर है जिसमें क्या होता है फिजिकल रिएक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा ब्रेकिंग मेकिंग प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो ये रेट वाला फॉर्मूला क्लियर है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड ऑन टू दी डेल्टा पी मींस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम, पर टाइम पे कितना प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर उसका रेट डिसाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट H2 beryllium hydroxide react with the H2SO4, okay, and form a beryllium sulfide BaSO4. यहाँ पे react हो जाता है और 2H2O water molecule release होगा, okay? तो यहाँ पे क्या हुआ? तो इसके बीच का जो bond था वो टूटा और इसके साथ react हुआ, right? तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और कुछ नया मेकिंग, कुछ नया रिएक्शंस बनता है। ओके, क्लियर है कि ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद दी H2SO4, देन यहाँ पे बेरिलियम H2SO4 के साथ हो गया, ओके, तो बेरिलियम सल्फाइड बन गया, क्लियर? तो ये एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल था। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, ओके, एक अनदर लेते हैं, CO2 रिएक्ट विद दी वाटर, ओके, एंड फॉर्म अ H2CO3, ओके। तो स्टूडेंट, एक नॉर्मल हैबिटेट के अंदर जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि पर आर क्या होगा, तो पर आर आप देखोगे तो इसमें 200 ऑफ मॉलिक्यूल्स H2CO3, ओके, ये फॉर्म होते हैं एक नॉर्मल, इट्स अ वेरी स्लो काइंड ऑफ प्रोसेस। बट यही केमिकल रिएक्शंस में क्या हो तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स अगर डाला जाए, ओके, तो क्या होता है 60 टाइम इंक्रीज्ड हो जाता है, जहां पे नॉर्मल रेट पे जो ये 200 मॉलिक्यूल्स बनते थे वो अब 600,000 जितने मॉलिक्यूल्स का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखो कि हमारे एक नॉर्मल एनवायरमेंट में CO2 एंड वाटर का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही स्लोली होता है, ओके, बट अगर यहाँ पे एक एंजाइम कौन सा
कार्बोनिक एनहाइड्रेस अगर इस रिएक्शन में आ जाए तो इसका जो रेट है वो 60 टाइम ग्रेटर हो जाता है. ओके तो आप देखो, तो यहाँ पे आप कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से रिएक्शन का रेट कितना ज्यादा बन जाता है और मॉलिक्यूल्स जो है उसके नंबर्स भी कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं वो दिखाया गया है. ओके तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले तो ये केमिकल रिएक्शंस क्यों बताया, तो एंजाइम्स क्या है वो आपको क्लियर है. तो अब ये एंजाइम्स ऐसे सारे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगी. ओके इसीलिए कि नॉर्मली केमिकल रिएक्शंस में ऐसे ब्रेकिंग मेकिंग प्रोसेस होती है, बट इस ब्रेकिंग मेकिंग प्रोसेस में जो एंजाइम्स होते हैं उसका रेट को बहुत एनहांस कर देते हैं. राइट तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है कि हाउ टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. एंजाइम्स ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से उसका रेट बढ़ जाता है. ओके हेलो स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे कि ये जो रिएक्शंस रेट होता है एंजाइम्स क्या करता है तो उसका रेट इंक्रीज करता है. ओके तो स्टूडेंट यहाँ पे ये करेक्ट करना कैसे, नॉट अ स्पेसिफिक 60 टाइम बट मिलियंस ऑफ टाइम्स. ओके कितने, तो 10 मिलियंस ऑफ टाइम्स ये जो रिएक्शंस रेट होता है वो रिएक्शंस रेट इंक्रीज करता है. ओके 10 मिलियंस टाइम इंक्रीज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन. कौन, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स. ऐसे दूसरे भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसे क्या करता है, तो एंजाइम्स जो है रेट बढ़ाता है. स्टूडेंट अनदर एग्जाम्पल है. ओके अनदर एग्जाम्पल्स में आप देखो तो क्या है, तो पाइरूविक एसिड इट्स अ बायोलॉजिकल रिएक्शन जो नॉर्मली आपको प्लांट में देखने को मिलेगा. ओके कि ग्लूकोज react with the O2 and form a pyruvic acid. Okay, यहाँ पे glucose का C6H12O6 okay react with the O2, then क्या होगा, तो C3H6O3 plus H2O, यहाँ पे 2H2O release होगा. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, तो ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके पाइरूवेट एसिड बनाएगा. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि 10 स्टेप, बिफोर 10 स्टेप यहाँ पे भी होंगे. स्टूडेंट रिमेम्बर दिस 10 स्टेप. ये स्टूडेंट थ्योरी जो है पूरी इन डिटेल में हमें हर एक 10 स्टेप पढ़ना है जो कि चैप्टर नंबर 14 में है. ओके तो अभी सिर्फ एक एग्जांपल कि यहाँ पे भी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ग्लूकोज में से पाइरूविक एसिड बनता है. राइट तो ये केमिकल रिएक्शंस है जहाँ पे एंजाइम्स इसका जो रेट है वो इंक्रीज करते हैं, वो आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है. ओके तो आपको एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन जिसमें ब्रेकिंग मेकिंग एंड न्यू फॉर्म होता है स्ट्रक्चर वो क्लियर है, जिसमें एंजाइम्स क्या करते हैं तो उसका रेट एनहांस करते हैं. जिसमें हमने कौन सा एग्जांपल लिया, CO2 रिएक्ट विद द H2O इन अ नॉर्मल हैबिटेट, इट्स जस्ट 200 मॉलिक्यूल्स फॉर्म, बट व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स इट फॉर्म अ ड्रास्टिक इंक्रीज द रेट एंड फॉर्म अ 6 lakhs मॉलिक्यूल्स रेट पर. क्या होगा, तो वो कंटिन्यूअसली ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते रहेगा और यहाँ पे वो 10 मिलियन टाइम जितना रेट इसका बढ़ाएगा. क्लियर. अब स्टूडेंट आगे हम देखते हैं जो हाई रेट ऑफ द केमिकल किस तरह से बढ़ता है. ओके तो स्टूडेंट हाउ द एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. तो फर्स्ट स्टूडेंट हम एंजाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं. एंजाइम्स जो है कैटालिस्ट है रिएक्शंस का रेट बढ़ाता है, बट हाउ, तो यहाँ पे स्टूडेंट एंजाइम्स को हम ई के फॉर्म में समझेंगे. राइट कि ये हमारा एंजाइम्स है और हमने आगे बताया कि ये इसकी एक्टिंग साइट है. एंजाइम्स किस तरह से काम करता है, एंजाइम रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट. ओके स्टूडेंट एंजाइम्स रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट. ओके और स्टूडेंट यहाँ पे स्पेसिफिक काइंड के ही सब्सट्रेट होंगे जो कि एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है.
स्टूडेंट एंजाइम्स रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट एंड फॉर्म अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स राइट. इन सम ऑफ द टाइम स्टूडेंट ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये क्या होता है तो वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्टेबल है. वापस ये सम ऑफ द पीरियड के बाद ज्वाइंट होके कन्वर्ट भी हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है. फिर क्या होता है तो एंजाइम्स वहां से रिलीज हो जाता है और प्रोडक्ट बनाता है. और ये जो एंजाइम्स होता है वो दूसरे किसी काम में चला जाएगा और हमें यहाँ पे हमारी जो भी प्रोडक्ट है वो मिल जाएगी. प्रोडक्ट और एंजाइम्स जो होता है वो आगे रिलीज होके दूसरा कोई रिएक्शंस करने के लिए फ्री हो जाता है. तो ये एक नॉर्मल रिएक्शंस हमें एंजाइम्स का देखने को मिलता है कि एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो स्पेसिफिक होती है फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. याद रखना कि यहाँ पे अगर कोई दूसरा सबस्ट्रेट हो तो यहाँ पे एंजाइम्स नहीं काम कर सकता है. जैसे कि सेलुलोज, ओके, सेलुलोज के ऊपर सेलुलेज एंजाइम ही काम करता है, प्रोटीन के ऊपर प्रोटीज ही काम करता है, लिपिड के ऊपर लाइपेज ही काम करता है. ऐसे क्यों? बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक जो एक्टिव साइट है उसकी वजह से. तो स्टूडेंट इसे लॉक एंड की मॉडल भी कहा जाता है जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है. ओके, लॉक एंड की मॉडल. तो नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करें तो आपको ये एंजाइम्स का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्लियर है कि ई स्टैंड हियर फॉर द एंजाइम्स एज ई रिप्रेजेंट द सबस्ट्रेट. जिसके साथ एंजाइम्स रिएक्ट होता है उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ओके स्टूडेंट, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसे ट्रांजिएंट स्टेट भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? ट्रांजिएंट स्टेट. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे एनर्जी लेवल को देखते हुए आपकी बुक में थियोरी दी गई है कि यहाँ पे जो है वो एक रिएक्शन में जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उसका रेट दिखाया गया है और यहाँ पे प्रोडक्ट का रेट. ओके, तो ये एक स्टूडेंट आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट है. ओके, तो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू हमें समझना है कि यहाँ पे ये जो एक्स है यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई है, वाई जो प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ हीटिंग. ओके, इन एनर्जी सप्लाई फ्रॉम इन अ फॉर्म ऑफ हीटिंग. अब क्या होगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है. ये जो है विदाउट एनर्जी एंड विथ एंजाइम्स. ओके, और दूसरा जो है विथ एनर्जी. ओके, तो स्टूडेंट आप देखो तो अगर किसी भी रिएक्शंस में आप एंजाइम्स उसमें रहेंगे, ओके, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम्स अगर होंगे तो ये जो ग्राफ है इसमें आपको इजीली प्रोडक्ट मिल गया और एनर्जी ज्यादा, हीट लेवल जो वो ज्यादा नहीं चाहिए. व्हाई? बिकॉज ऑफ हियर क्या है तो एंजाइम्स है. और यहाँ पे आप देखो तो ऊपर वाला जो रिएक्शन था उसमें एंजाइम्स नहीं था, सिर्फ हीटिंग फॉर्म ऑफ जो एनर्जी चाहिए थी. तो दैट टाइम क्या चाहिए? तो ज्यादा हीटिंग एनर्जी चाहिए फॉर दिस केमिकल रिएक्शंस. ओके, इस ग्राफ के थ्रू हमें क्या समझना है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में है क्या? तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ नहीं बट लेवल ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हम एंजाइम्स नहीं यूज करते हैं, सिर्फ एनर्जी चाहिए. तो ऑफकोर्स लेवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज हायर. And when we use the enzyme in reactions, of course the energy level using is lower. Clear? तो यहाँ पे student ये जो graph है यहाँ पे इतना ही समझाया है कि level of energy in a form of example यहाँ पे heat कर दिया हुआ है. Clear? तो concept में student इतना ही है. Okay student? तो किसी भी reactions को rate को किस तरह से बढ़ाता है तो specific site पे bind होता है, एक transient state बनाता है और उसे प्रोडक्ट में फास्टली कन्वर्ट करता है. ओके, अगर एंजाइम्स नहीं हो तो ज्यादा एडिशनल हीटिंग एनर्जी चाहिए. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी ये थ्योरी कंप्लीट होती है. तो स्टूडेंट
किसी भी रिएक्शन स्टेट को, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हीटिंग दिया हुआ है, कि नॉर्मली क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर था वो 30 डिग्री था, बट सडनली इसमें क्या किया जाए कि 10 आवर्स जो अगर बढ़ा दिया जाए, ओके ओनली फॉर हीटिंग की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है उसका जो रेट कन्वर्सेशन ऑफ रेट होता है वो बढ़ जाता है, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल है कि टेम्परेचर में अगर हम 10% हाई करें तो रिएक्शन रेट बढ़ जाता है, बट ऐसी सभी एंजाइम्स में अपनी इफेक्ट्स होती है, राइट, कि पैरामीटर्स जो कि इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो सकता है, पीएच हो सकता है, सब्सट्रेट हो सकता है, इवन ये जो सारे चीज है, ओके, वो डिफर लेवल में एंजाइम्स को इफेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरी में हम वही पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।